असल नाजिम, मैं हूँ स्वागत आप देखें सस्की किंग यूट्यूब चैनल। आज हम बात करें साल 2022 की अहम वाक़ियात के वाले से। तो साल 2022 जो था वो हंगामा के साल जो था वो पाकिस्तान के लिए साबित हुआ, और ऐसे बहुत ही सारे अहम वाक़ियात जो थे इस साल में जो थे वो रोनुमा हुए। तो सबसे अहम वाक़िया था 2022 में वो था इमरान खान का रूस का दौरा। इमरान खान साहब ने फरवरी 2022 में जो था रूस का दौरा किया। सबसे पाकिस्तान के लिहाज से पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही अहम दौरा था रूस का, और इस दौरे में थे इमरान खान साहब ने थे वो रूसी सदर पुतिन से भी मुलाकात की। और इस दौरे के दौरान ही जो था वो रूस और यूक्रेन की जंग का आगाज़ भी हो गया, और ये जंग जो थी फिर तवालत का अख्तियार तवालत जो थी वो अख्तियार कर गई। तो उसके साथ साथ फिर मार्च में जो है वो इमरान खान के खिलाफ जो पीडीएम जमात ने जो तहरीक एतमाद जमा करवाई, तो तहरीक एतमाद जमा होने के बाद पीडीएम जमात ने भी अपने नंबर पूरे करना शुरू कर दिए, और हुकूमत ने भी अपने नंबर जो थे वो पूरा करना शुरू कर दिए। और फिर उसके बाद तहरीक एतमाद के लिए दिन मुकर्रर किया गया उस तारीख को जो था। फिर उस तरीके से पहले पहले इमरान खान जो था वो असम्बलियाँ डिसॉल्व करने का ऐलान किया, और साथ साथ उन्होंने फ्रेश इलेक्शन का भी ऐलान किया इमरान खान साहब ने। और इस ऐलान के बाद ही जो था वो ये फैसला जो था इमरान खान साहब अदालतों में जा चला गया, और अदालतों जाकर ये फैसला जो था वो रिवर्स हो गया, और तहरीक एतमाद का दिन मुकर्रर हुआ। और उसके बाद तहरीक एतमाद के दिन जो था वोटिंग हुई, और वोटिंग के बाद इमरान खान जो थे वो अक्सर ये जो थे वो खो गए, और उसके बाद पीडीएम जमातें जो थे वो बरसर इख्तदार आ गई। और फिर शहबाज शरीफ ने जो था फिर वज़ीर के अहदे का जो था हलफ उठाया, और उसके बाद शहबाज शरीफ जो थे वो पाकिस्तान के नए वज़ीर जो थे वो मुंतखब हो गए। तो उसके बबाद पीडीएम जमातों की हुकूमत का जो था आगाज़ हो गया, और उसके बाद फिर इमरान खान जो थे वो उन्होंने अपनी एक नई तहरीक का आगाज़ किया, और उस नई तहरीक के बाद इमरान खान ने था वो इस्लामाबाद की तरफ से वो लॉन्ग मार्च का ऐलान किया। उस लॉन्ग मार्च के ऐलान के बाद फिर 25 मई का वाक़ा भी रोनुमा हुआ, और 25 मई के वाक़े के बाद फिर इमरान खान ने इसके बावजूद इमरान खान ने लॉन्ग मार्च था वो कंटिन्यू रखा, इस्लामाबाद की तरफ गए, इस्लामाबाद पहुँचे, और इस्लामाबाद पहुँच के उन्होंने वहाँ पर जाके अपना जो लॉन्ग मार्च था वो उन्होंने ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। और लॉन्ग मार्च ख़त्म करने के ऐलान के बाद फिर इमरान खान जो थे वो दोबारा से अपनी इन्होंने तहरीक का जो था वो मोमेंटम बरकरार रखा, और पंजाब असम्बली में इस वाले से भी हलचल जारी थी, क्योंकि पंजाब असम्बली में भी तहरीक एतमाद आई, और पंजाब असम्बली में भी अपनी अक्सर जो खो गई, और हमद शहबाज शरीफ साहब ने जो था वो वज़ीर आला पंजाब का हलफ उठा लिया था। और उसके बाद फिर अदालत का फैसला आया, और उस अदालत के फैसले के बाद फिर दोबारा से जो थे वो 14 से जो खाली हुई थी उस पर पंजाब असम्बली की जो खाली हुई थी उसमें ज़मीनी इंतखाब हुआ, और ज़मीनी इंतखाब में पीटीआई ने भरपूर कामयाबी हासिल की, और उस कामयाबी के नतीजे में पंजाब असम्बली में पीटीआई की जो थी पंजाब में हुकूमत जो थी वो बहाल हो गई। और फिर उसके बाद परवेज़ इलाही साहब जो थे वो ज़िला पंजाब जो थे वो मुंतखब हो गए पीटीआई की तरफ से, और उसके बाद फिर आगे ये सिलसिला चलता रहा। और उसके बाद फिर स्पीकर कम असम्बली ने राजा परवेज साहब ने जो थे वो पीटीआई के नौर खान के इस्तीफे जो थे वो मंजूर कर लिए, और उन इस्तीफ़े के मंजूर के बाद फिर उन रिश्तों पर जो थे वो ज़मीनी इंतखाबात का इनेकाद हुआ, और फिर मैं जो थे वो जलसे किए, और उन जलसों के नीचे में फिर पीटीआई ने एक बार फिर जो था वो भरपूर कामयाबी हासिल की मेजोरिटी सीटों के ऊपर, और इस कामयाबी के बाद पीटीआई के चेयरमैन मैं खत्म जो था वो दोबारा से लॉन्ग मार्च का ऐलान किया इस्लामाबाद की तरफ। और ये लॉन्ग मार्च का सिलसिला जो था वो काफ़ी यानी कि भरपूर तरीके से मैं लॉन्ग मार्च का सिलसिला जो जारी रखा, और लेकिन इस लॉन्ग मार्च के दौरान एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़ भी पेश आया, और उस अफसोसनाक वाक़ में इमरान खान की जान पर हमला हुआ, और इमरान खान जो था इस हमले में शदीद ज़ख्मी हो गए, और उसके बाद ये लॉन्ग मार्च जो था वो कुछ अर्से के लिए जो था मुलतवी हो गया। और इसी दौरान एक और अहम वाक़ जो पाकिस्तान के सच में जो था वो रोनमा जो हुआ वो हुआ कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो थे वो अपने अहदे से रिटायर हो गए, और जनरल आसिम मुनीर साहब ने जो था वो पाकिस्तान आर्मी की जो थे वो कमान संभाल ली, और पाकिस्तान को दरपेश चैलेंज से निमटने के लिए अपनी हिकमत अमली भी तरतीब देना शुरू कर दी। और उसके बाद फिर इसी तरह सिलसिला आगे चलता रहा, और इसके बाद फिर पंजाब असम्बली में अब नया बहरान जो था वो जन्म लिया, उसमें इमरान खान ने जो था वो असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान किया 17 दिसंबर को, और उन्होंने कहा कि मैं 23 दिसंबर को जो था वो असम्बलियाँ तहलील कर दूँगा। और इस ऐलान के बाद ही वफाकी हुकूमत भी कलबिल मच गई, और वफाकी हुकूमत भी जो थे वो मुतहरिक हो गई, और उसके बाद पीटीआई ने भी असम्बली तहलील करने का ऐलान किया। उसके दौरान फिर गवर्नर पंजाब ने जो था वो एक नोटिफिकेशन डी नोटिफिकेशन जारी सी एम पंजाब को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, और इस ऐलान के बाद ही पीटीआई जो थी वो लाहौर हाईकोर्ट उन्होंने अप्रोच किया, और उसके बाद लाहौर हाईकोर्ट ने भी रिटर्न गारंटी के बाद यानी कि रिटर्न स्टेटमेंट के बाद जो था वो पंजाब असम्बली को जो था दोबारा से रिस्टोर कर दिया, और सीएम पंजाब को दोबारा से उनके अहदे पे बहाल कर दिया। और उसके बाद 11 जनवरी तक जो था उन्होंने कहा कि ये असम्बली जो है वो डिसॉल्व नहीं की जाएगी। तो अब देखना ये बाकी है कि इसी
पूरे अरसे में जो था वो ये बहुत यानी कि हर तरह से पासिंग में चैलेंज का सामना करना पड़ा। और पासिंग मशीन वाले साल ये साल देखा जाए तो पासिंग मशीन वाले से ये साल जो था इंतहाई ग्रीन साल था, और इसमें इस साल में पासिंग की इकानमी को गंभीर इतनी मसाइल का सामना करना पड़ा, बहुत सी मुश्किल का सामना करना पड़ा, बहुत ज़्यादा बुरानों का सामना करना पड़ा पासिंग की इकानमी को भी, इंडस्ट्री को भी, और आम आदमी को भी खास तौर पर, क्योंकि महंगाई का तूफान जो था वो उसने आम आदमी को शदीद मुतासर किया। और पाकिस्तान को जो है अपनी फूड सिक्योरिटी के ऊपर भी जो है वो बड़ी तवज्जो देंगे, क्योंकि सैलाब ने जो था 2022 में सैलाब ने जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया पाकिस्तान इकोनॉमी को भी, पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर को भी, और पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है इस सैलाब ने। और पाकिस्तान के अब जो हुकूमत ने वैसे ऐलान किया कि वो किसानों को बीज प्रोवाइड करेगी, खाद प्रोवाइड करेगी, और रायती नक्स पर, और साथ ही साथ जो है वो शायद पानी और बिजली भी जो है प्रोवाइड करेगी, लेकिन इसके बावजूद भी जो है किसानों को जो है वो ऑन ग्राउंड जो है हुकूमत को इंश्योर करना चाहिए कि ऑन ग्राउंड जो है ये इस चीज़ को यकीनी बनाएगी कि खाद जो प्राइस हुकूमत ने फिक्स की है वो ग्राउंड पर भी उतनी ही प्राइस में जो है वो अवेलेबल जो है वो होनी चाहिए। क्योंकि होता ये है कि हुकूमत अनाउंस करती है लेकिन ग्राउंड पे जो है वो उस रेट पे जो है वो चीज़ें नहीं अवेलेबल मिल हो रही होती, और साथ ही साथ टेक्सटाइल सेक्टर ही जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को जो है वो इंक्रीज़ कर सकता है, और पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स और पाकिस्तान की तरक्की जो है वो एक्सपोर्ट से ही मुंसलिक हैं। आप जितनी आपको अपनी एक्सपोर्ट्स है वो हर हाल में बढ़ाना होगी, और इसके लिए आपको मार्केटों को और आपको बिज़नेस कम्यूनिटी को जो है वो एतमाद में लेना होगा। और ताजे तबका जो तबका जो होता है वो रीढ़ की हड्डी है रहता है किसी भी इकोनॉमी में, और पाकिस्तान के ताजे जो है वो सब शदीद मुश्किल का शिकार है। हुकूमत चाहिए वो हंगामी बनाने के बजाय ताजों के मसाइल को जो हल करे, और जब तक पैसा साइकिल में रहेगा आवाम की ज़िंदगी का पहिया जो है वो चलता रहेगा, क्योंकि इस पहिए को चलाना ही हुकूमत की जिम्मेदारी है। तो 2022 जो था वो इंशाल्लाह गुजर गया है, 2022 तो गुजर गया है, इंशाल्लाह 2023 जो है वो इंशाल्लाह पासिंग की बेहतरी का साल होगा, पासिंग की तरक्की का साल होगा, पासिंग की खुशहाली का साल होगा, और पासिंग की तकदीर का फैसला कौन सा जो है साबित होगा। और इंशाल्लाह जो खासतौर पर रास्ते जो है वो इंशाल्लाह सही फैसले करेगी, और दुरुस्त सिमत में जो है पासिंग सिमत का दुरुस्त सिमत का जो है तयन करेगी, और इंशाल्लाह जल्द से जल्द जो है वो इन मसाइल का जो है वो हल निकालेगी। और इंटरनेशनल दो हालात में देखें तो इंडस्ट्री ऑफिस में भी देखें तो 2022 जब वो इंटरनेशनल रूस और यूक्रेन की जंग थी वो साल 2022 की सबसे बड़ी खबर थी, और जंग के नतीजे में थे वो काफ़ी ज़्यादा मसाइल ने जन्म लिया, ऑयल प्राइसेस ऊपर चली गई, फूड का बुरान यानी गंदम का बुरान पैदा हो गया, और इसके अलावा दीगर मसाइल ने जन्म लिया, इसके नतीजे में यूरोप में इनसिक्योरिटी पैदा हो गई, यूरोप में गैस का एनर्जी का बुरान पैदा हो गया, और इस टाइम जियो जो मसाइल जो था उन्हें जन्म लिया, और चाइना ताइवान की टेंशन जो थी वो अलहदा थी, उसमें अमेरिका भी खुद अमेरिका की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने भी 2022 में विज़िट किया ताइवान का, जिससे काफ़ी ज़्यादा कशीदगी में इजाफा हो गया हुआ था, और काफ़ी ज़्यादा तनाव पैदा हो चुका हुआ था इस दौरे के नतीजे में। तो इसी तरह दीगर ममालिक जो थे उसमें टेंशन का जो था वो ये साल इंडस्ट्री तबे भी, और काफ़ी ज़्यादा क्योंकि कोविड के बाद ये साल जो था ये एक साल जो था ये रिकवरी का साल जो था वो देखा जा रहा था, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मसाइल जो थे इंडस्ट्री तबे काफ़ी ज़्यादा मसाइल का जो था वो कई ममालिक को जो था वो सामना करना पड़ा, और काफ़ी ज़्यादा जो थे मामला जो थे वो गंभीर रहे। तो इन दवा के साथ वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में आपका सेकंड मिलेगा, हमें भी दवा में देखेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, हाफिज़, और आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो।